हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। बिजली बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारी के ज्वाइंट फ्रंट ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए हिमाचल में ब्लैकआउट की चेतावनी दे दी है, जिसका कारण हाल ही में बिजली बोर्ड में इंजीनियर के 51 पद खत्म करने और 81 चालकों की सेवाएं 1 नवंबर से समाप्त करना है। साथ ही OPS को बिजली बोर्ड में लागू न करने कर्मचारियों की खासी नाराजगी है। बिजली बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों ने शिमला बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस में आपात बैठक बुलाकर 28 अक्टूबर से सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। कि जो 18 तारीख को ऑर्डर हुए थे उसमें कुंजा पद इंजीनियर्स के खत्म किए गए, उसके बाद आपके ड्राइवर के 81 पोस्ट खत्म की गई थी, उसके बाद हमारी सीरीज ऑफ मीटिंग गवर्नमेंट में हुई है, माननीय मुख्यमंत्री से हुई है और आपके सब कमेटी में हुई है, पर हमें कहीं लगा जो हमारी बैठक हुई सब कमेटी से हुई तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि गवर्नमेंट ने एक डेलिब्रेट मूव बनाया है कि बिजली बोर्ड के बहुत सारे पदों को खत्म करना है और बिजली बोर्ड के ढांचे को और स्विच करना है, तो कहीं ना कहीं उस करके कर्मचारी में भारी क्रोश है, अभियंता में क्रोश है, इस करके हमें फैसला लेना पड़ा कि 28 को पूरे हिमाचल प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे। हम ये कहना चाहेंगे कि इसमें जो आपका दो इशू जो पहले थे जिसमें आपका ड्राइवर का और साथ में पोस्ट एब्लिश करने का साथ, इसके साथ साथ OPS भी आप जानते होंगे, OPS बिजली बोर्ड में काफ़ी सालों से पेंडिंग है और पूरे स्टेट में जितने कर्मचारी हैं वो NPS के कर्मचारी को OPS में उनको OPS मिल गया है, लेकिन बिजली बोर्ड का लगभग 6600 कर्मचारी उस OPS से वंचित है, वो भी एक कारण है, उससे भी कर्मचारी में क्रोश है। दूसरी एक नई डेवलपमेंट हुई है जो सरकार की सब कमेटी में भी सामने आई और कल एक रेगुलेटर में जो मीटिंग थी उसमें भी ये चीज़ आई है कि बिजली बोर्ड को पुनर्गठन की तैयारियाँ की जा रही है। बिजली बोर्ड को आप समझेंगे सही भाषा में, बिजली बोर्ड को 3 भागों में बांटने की तैयारियां की जा रही है, जिससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश आया और कल और आज जो आपने देख रहे हैं आप मीटिंग में जो कर्मचारी हैं किस तरह का उनका आक्रोश था, तो ये जो अनबंडलिंग है, अनबंडलिंग से सारी चीज़ें अगर अनबंडलिंग होगी बिजली बोर्ड को अगर ट्राइफ्रिकेट हो गया तब तो ये आउटसोर्स क्या, तब तो रेगुलर कर्मचारी क्या, ढांचा क्या, तब तो सारा तहस नहस हो गया। एक कर्मचारी को समझ है कि अगर बिजली बोर्ड की पुनर्गठन किया जाएगा तो एक तो जो 17-18 बिजली बोर्ड के 17-18 हज़ार कर्मचारी हैं उनकी सर्विस कंडीशन प्रभावित होगी, वहीं कहीं जो आपकी 1100-1200 करोड़ की लायबिलिटी है जो पेंशन 29,000 है उस पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। इस करके लोगों में बहुत संशय है और आक्रोश भी है और हम इसके माध्यम से कहना चाहेंगे, आपकी मीडिया के माध्यम से सरकार को कहना चाहेंगे कि जो आपके अनबंडलिंग का एजेंडा पिछली सरकार उससे पहले की कई सरकारों ने इस एजेंडे को लिया था और यूनियन और कर्मचारी और हमारे कंज्यूमर्स उनके विरोध के बाद एजेंडा वापस हुआ। आज हम प्रदेश सरकार से भी कहना चाहेंगे कि जिस एजेंडे पे आप काम कर रहे हैं इस पे इसको वापस किया जाए। हाँ, बिजली बोर्ड में कुछ और सुधार की जरूरत है, उसमें आपके साथ हैं। और एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगा, जो बिजली बोर्ड की अनबंडलिंग आज हो जाती है उस अनबंडलिंग से जो प्रदेश के कंज्यूमर्स हैं उनकी बिजली दरें महंगी हो जाएगी। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।